प्रमुख रूप से इस समय जो बीन्स हैं उस पर माहू कीट का अधिक प्रकोप होता है। ये छोटे सॉफ्ट टिनी इंसेक्ट होते हैं और पार्थेनोजेनेटिकली रिप्रोड्यूस होते हैं और खास करके फूलों से रस को चूसने का काम करते हैं। रस को जब चूस लेते हैं तो उनसे, ये देखिए यहाँ पर रस चूस लिया गया है और इस तरह से फूल नीचे गिर जाता है, छोटे छोटे इंसेक्ट चिपके हुए हैं। तो इस तरह से जो है इन कीटों के द्वारा जो बीन्स हैं उसमें अधिक नुकसान होता है। इस तरह से यहाँ पर जो है जो बीन्स की फसल है वो अधिक प्रभावित हो जाती है। यदि इनका समय से प्रबंधन नहीं किया जाता तो अधिक नुकसान हो जाता है। प्रमुख रूप से जो नई फ्लावरिंग की टिप्स निकल रही होती हैं, वहां पर टिप पर देखिए ये ब्लैक कलर के छोटे छोटे ये माहू जो है यहाँ पर दिख रहे हैं। ये बहुत अधिक इनिशियल अवस्था में जब पौधा बहुत छोटा होता है तो ये नुकसान पहुंचा देते हैं। इन कीटों का समय से प्रबंधन जरूरी है। प्रमुख रूप से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस तरह से जो मौसम में जब परिवर्तन होता है, ह्यूमिडिटी अधिक होती है तो माहू का अधिक प्रकोप होता है। ये जो आपने अभी देखा उस पर बीन्स के ऊपर, ये एफिस क्रासिफोरा है, ऑर्डर हेमिप्टेरा की जो फैमिली है एफिडी, उसका ये भयंकर कीट है और ये अपने चूसने और चुभाने वाले मुखांग से रस को चूसने का काम करता है और जब रस चूस लेता है तो धीरे धीरे ऊपर से ट्विक्स सूख जाती है और अधिक नुकसान हो जाता है। ये इसका प्रमुख नेचर ऑफ डैमेज होता है कि रस को चूसता है। साथ में ये इनडायरेक्ट रूप में बीमारियों को भी बढ़ाने का काम करता है, जैसे कि जब ये रस चूस लिया जाता है तो माहू जो है दूसरे पौधों के ऊपर खास करके बीमारी को हस्तांतरित करता है, जो वायरस की बीमारियां हैं उनको ट्रांसमिशन करने का काम ये माहू करते हैं, फिसकासी बोरा। अब ऐसे इंसेक्ट को अगर समय से प्रबंधित नहीं किया जाता तो बहुत अधिक नुकसान हो जाता है। ऐसे इंसेक्ट को प्रबंधित के लिए सबसे पहले ये देख लें कि आपके खेत में इनका एक जैविक जीव जंत होता है जिसे हम लेडी बर्ड बीटल्स कहते हैं। लेडी बर्ड बीटल्स की अगर पॉपुलेशन खेत में दिखने लगे, अगर एक ट्विक्स के ऊपर दो चार लेडी बर्ड्स दिख जाते हैं, दो लेडी बर्ड्स दिख जाते हैं, तो हमें जो है कीटनाशक का छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं होती। यदि लेडी बर्ड नहीं दिख रहे हैं तो तत्काल आपको कीटनाशक छिड़कना है। जैसे कि एक ट्विक्स पर 10-12 माहू आपने यहाँ पर देखा, ये जो है सीवियर इन्फेस्टेशन है, यानी पॉपुलेशन इसकी बढ़ रही है। यहाँ पर जो है यदि हम कीटनाशक का छिड़काव नहीं करेंगे तो हमारी फसल अधिक नुकसान हो जाएगी, जिससे जो है हमारा अधिक नुकसान होगा। तो इस तरह से यहाँ पर जब ये समस्या दिखने लगी तो बाजार से आप कीटनाशक ले आएंगे। प्रमुख रूप से बाजार में ऐसे तो बहुत से परंपरागत कीटनाशक हैं रस चूसक कीटों को प्रबंधित करने के लिए। इसमें एक इमिडाक्लोपिड नामक कीटनाशक है जिसकी 0.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी की दर से घोल बना करके छिड़काव कर देंगे और तो ये माहू जो है फिसकरासी बोरा खत्म हो जाएगा और आपकी फसल बच जाएगी। तो इस तरह से जैविक उत्पाद भी हैं जिसमें मेटार्जियम एनिसोलोपी है, जैसे ही माहू की पॉपुलेशन दिखने लगे, दो चार माहू पौधे की पत्तियों के ऊपर दिखें तो आप जो है मेटार्जियम एनिसोलोपी एक जैविक उत्पाद है, फफूंदी जनित उत्पाद है, और इसका छिड़काव करेंगे। 2 ग्राम मात्रा लेंगे, 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़क देते हैं तो ये माहू प्रबंधित हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये जैविक उत्पाद फसलों के ऊपर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं डालते और जो इनके द्वारा प्रयुक्त जो सब्जियां हैं वो भी मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं होती हैं। तो ये एक अच्छा लाभदायक तरीका है जिसके द्वारा फसलों में प्रमुख रूप से जो चूसक कीट जिन फसलों में लगते हैं उनको प्रबंधित करने का एक सस्ता और सरल तरीका है। ऐसे रसायन जो जैविक उत्पाद होते हैं इनकी सेल्फ लाइफ 1 साल होती है और 1 साल तक जो है हम छिड़क देते हैं तो ये अपने खेत में स्वयं अपनी पॉपुलेशन को बनाते रहते हैं और फसल नुकसान होने से बच जाती है।